नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द सीक्रेट हिंदी में। आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की या गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो कि संसार में पहले से विद्यमान है, इसलिए इसका आविष्कार तो नहीं किया जा सकता। परंतु इसके गुणधर्मों तथा इसमें निहित बल उत्पन्न कैसे होता है, यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान केवल दो ही चीजों पर टीका होता है। पहला है भूतकाल और दूसरा भविष्यकाल। अर्थात जो भूतकाल से निहित है उसमें शोध करके भविष्य में उसे नए आयाम तक पहुंचना ही विज्ञान है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें विद्यालयों में तो यही बताया जाता है कि इसकी खोज तथा इसके नियम व सूत्रोत्पत्ति न्यूटन साहब ने की, लेकिन क्या सच में गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था? प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको सच्ची जानकारी मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़े। गुरुत्वाकर्षण की खोज का इतिहास की बात करें तो हमें किताबों में तो केवल यही पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइज़क न्यूटन ने की तथा इसके सार्वत्रिक नियम दिए, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि न्यूटन भाई साहब 1646 से 1727 ईसा पूर्व वाले, और हमारे पास भारतीय संस्कृति में इस बात का एक नहीं बल्कि तीन प्रमाण उपस्थित है कि इसकी खोज भारत में हुई। वराहमिहिर, जिसे वराह या मिहिर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और बहुश्रुत थे जो उज्जैन में रहते थे। उनका जन्म अवंती क्षेत्र के कायथा में हुआ था, जो लगभग आधुनिक मालवा के आदित्य दास के अनुरूप था। उनके अपने कार्यों में से एक के अनुसार उनकी शिक्षा कपित्थक में हुई थी। आइज़क न्यूटन के जन्म से सैकड़ों साल पहले हमारे भारतीय गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते थे। प्राचीन काल में 505-587 के समय में वराहमिहिर नामक एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने वर्षों पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी, लेकिन उन्होंने न्यूटन की तरह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को कोई नाम नहीं दिया। इस कारण सारा श्रेय सर आइज़क न्यूटन को जाता है। अगर हम वराहमिहिर को भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का जनक न माने तो भी न्यूटन से पहले भारत के सन 598-670 के काल में महान ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता तो थे ही, साथ ही उन्हें गणित का भी बढ़िया ज्ञान था। ब्रह्मगुप्त की गिनती भारत के मशहूर ज्योतिषियों और गणितज्ञों में होती थी। उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। ब्रह्मगुप्त के अनुसार धरती गोल है और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम न्यूटन के सिद्धांतों को पढ़े तो उसमें भी यही लिखा है कि धरती आकार में गोल है, और अगर कोई भी चीज अगर ऊपर की ओर भी फेंकी जाए या कहीं से भी गिर जाए तो वो आखिर में नीचे की ओर इसलिए आती है क्योंकि धरती चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन उस समय लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि सभी को गुरुत्वाकर्षण के बारे में महान खगोलविद वराहमिहिर पहले ही बता चुके थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। ऐसे ही और एक हस्ती है, भास्कराचार्य। उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण का खोज की थी, लेकिन उनके बारे में किसी और के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।